he was literally in a 50 to 60 meters behind. Oh. Then in the second round, उसने उसको तो the second round में भी almost complete नहीं, but third round तो था, उसे जो complete किया उसको, it was like जो जीता वही सिकंदर वाला shot and she did it, as she did. But I'll tell you, अभी ask करके like how you did this, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला कि मम्मा, डैडी ने पूछा उसको कि आप तू ऐसा क्या सोच रही थी कि तू मतलब थर्ड राउंड में तूने ऐसा किया? तो उसने बोला कि मम्मा ये पहले ना मैं फर्स्ट राउंड किया तो सेकंड राउंड आई तो मुझे लगा कि आई एम नॉट गिविंग माय 100%, तो आई हैव टू गिव माय 100% एंड देन शी गियर अप. What's up, people? Welcome back to Money Vlog, and I hope you guys are absolutely fine. So it's a really special day for all of us, and why is it a special day? I'll let you know. Actually, मेरी नीज यानी कि मेरी बहन की लड़की, she is really good at skating, and she has participated in many competitions as well. But this time, she got selected internationally, and she got a chance to represent India. Yes, आपने सही सुना, India. Guess what? She didn't even play. She nailed the game. She got back-to-back 3 gold medals for India. मतलब भाई बहुत ज़्यादा proud moment है India के लिए. And we are immensely proud of what she has done because this isn't a sport of skating but a game of passion. इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे India के लिए proud moment रहेगा. तो अभी without wasting time, फटाफट से निकलते उससे मिलते हैं. And आज के दिन पे उसके building वालों ने भी उसके लिए functions arrange किया हुआ है. सो लकीली मेरे पास ऐसा टाइम था तो जा रहा हूँ मैं उसके पास आज उसके मिलने के लिए. एंड मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बोल नहीं सकता. मैं, मेरी मम्मी, सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए. तो अभी फटाफट से निकलते उससे मिलते हैं एंड उससे पूछते कि तूने ये कैसे अचीव कर लिया करके. एंड भाई इतने छोटे से उम्र में उसको इतना फेम मिल गया, बट ये फेम वो डिज़र्व करती है बिकॉज उसने मेहनत की है. सो लेट्स गो नाउ, बहुत होगा टाइम पास, फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं और उससे मिलते हैं. गणपति अप्पा मोरिया. यार, I love this view. अपने फैन का करो पहले. चालू कर ना. ठीक है. मस्ती बंद कर. All right, so she is my Nidhi Sangeeta Khelchikar and my Jiju Amul Khelchikar. So we are here to congratulate them as a proud parent, and उनकी बेटी युधिष्ठा खिलचेकर ने इंडिया के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते इन एंड्योरेंस इंटरनेशनल चैलेंज. सो वी आर हियर टू आस्क देम कि उन्होंने कैसे मोटिवेट किया उनकी बेटी को, एंड ये शायद वीडियो फ्यूचर के बच्चों के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए. तो इस वजह से हम जीजू से बात कर रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहेंगे अपने फ्यूचर पेरेंट्स के लिए एंड उनके बेटे के लिए, बच्चे के लिए. एंड्योरेंस चैंपियनशिप जो कंपटीशन थी ना, वो 5 या 6 कंट्री में टोटल मिलके हुई थी, जिसमें एज बार के हिसाब से ऑल ओवर मोर देन 500 बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया था. ये कॉम्पिटिशन स्केटिंग कॉम्पिटिशन होती है. ये स्केटिंग कॉम्पिटिशन एज के हिसाब से वो लोग लेते हैं, जैसे अंडर 5, अंडर 6, अंडर 7, अप टू अंडर 8, अंडर 10, 11, अप टू 16, अबव 16. तो वो हिसाब से जो जो कंट्रीज के बच्चे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे थे, वो एज बार के हिसाब से वैसे वो मैचेस हो रहे थे. ओके. एंड ये मैचेस में मतलब 18 तारीख को इनॉग्रेशन सेरेमनी वगैरह प्रॉपरली इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपना नेशनल एंथम बोल के इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेशन वगैरह लिया था. सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस. एंड सी वी आर सी हम लोगों ने सिर्फ एनरोल इसलिए किया था कि हम लोग कुछ पार्टिसिपेट करें, बच्चे को एक नया दिशा दिखाए कि एटलीस्ट हम लोग ये तो जान सकते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, किस हिसाब से उसका ट्रेनिंग हो रहा है या कैसे वो खेल रहा है. सी पार्टिसिपेशन फॉर अस, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस रेस ना, ये जो रेस है वो हर साल अलग अलग देशों में होती है, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका. This time it was in India. Okay. And by luckily it was मतलब कोई भी state में हो सकता है, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे. तो but this time it was in Mumbai, it was in Khopoli. And so it was really a good thing for us. And then we said कि we will not no miss this opportunity. Right. And Rudisha was eligible for that. So we thought we will not miss this opportunity. And then we went.
ये बताओ कि आप लोगों ने कैसे मैनेज किया उसको हेल्प करने में, मतलब उसको प्रैक्टिस में डालने में, आप लोगों को मैनेज हुआ सब? मैनेज करना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा, क्योंकि सुबह 5 बजे उसको उठाना, उसके बाद में उसकी तैयारी करके उसको जॉगिंग के लिए भगाना, जॉगिंग के लिए स्टैमिना बढ़ाने के लिए सुबह सुबह 5 बजे उठती थी। मॉर्निंग का स्कूल है तो उस बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सुबह उठे ये जॉगिंग करे या यू नो हेल्थ के लिए कुछ करे, देन गो टू स्कूल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज शी इज जस्ट 6 years ओल्ड। तो शाम को वो अपना एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद में देन शी शुड बी स्केटिंग। तो जो आपका एक्सपीरियंस क्या था कि जब वो रिश्ता फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल खेल रही थी, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या था? गूज़बम्प्स डेफिनेटली। हम चाहते थे कि वो आई विल टेल यू, मतलब उसका एक रेस था 22nd और 1 मिनट में नहीं बट 2 मिनट का जो रेस था ना, तो वो फर्स्ट, मतलब उसका सेकेंड का फर्स्ट रेस था। तो जब उसे स्टार्ट किया मालदीव, शी वाज कंपीटिंग विद मालदीव्स, तो जब स्टार्ट हुआ तो मालदीव्स गर्ल वाज वेरी, मतलब शी वाज आल्सो वेरी फास्ट, तो मालदीव्स गर्ल ने तो बहुत आगे चली गई एंड अपने पीछे तो मुझे लगा शायद से वो नहीं जीत पाएगी, मतलब ऐसे, बट लेकिन उसने एक राउंड लिया तो थर्ड राउंड था उसे जो कम्प्लीट किया उसको, इट वॉज लाइक जो जीता वही सिकंदर वाला शॉट एंड शी डिड इट एज शी डिड। But I'll tell you, we asked her, like, how you did this? मतलब तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला कि मम्मा, डैडी ने पूछा उसको कि आप, तू ऐसा क्या सोच रही थी कि तू, मतलब थर्ड राउंड में तूने ऐसा किया? तो उसने बोला कि मम्मा ये पहले ना मैं फर्स्ट राउंड किया तो सेकेंड राउंड आई, तो मुझे लगा कि आई एम नॉट गिविंग माई 100%, तो आई हैव टू गिव माई 100% एंड देन शी गियर अप एंड देन शी, उसने एकदम स्टार्ट किया, देन उसके जब नजदीक आई ना उसने देखा कि वो थक गई है मालदीव लड़की, तो उसने और उसका 101% दिया एंड वो उसकी के मान गई एंड वो वेरी गुड के 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची हो सकती है, इतना सोचा उसने, वो भी कंप्लीट करने के टाइम, कंप्लीट करने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट एंड रियली हैट्स ऑफ। सी बीइंग अ पेरेंट, तो वो हर एक पेरेंट सपोर्ट करता ही है, लेकिन पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए बच्चा भी उतना मेहनत करना चाहिए। और जो रुदिशा ने किया है तो वी ऑल से पेरेंट ने किया है इसलिए उसने कर दिया, ऐसा नहीं, उसने उतना ही किया, उसने उसका उसने अपना 101% दिया एंड मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको फोर्स किया। When she was 3 साल की थी ना तब से उसको चालू था कि उसने कुछ यूट्यूब पे अटेम्प्ट, शी मस्ट हैव सीन सम स्केटिंग, तो उसको लगा कि आई हैव टू डू स्केटिंग। तो दी वॉज 3 years ओल्ड दैट टाइम, शी टोल्ड मी कि मम्मा आई एम गोइंग टू स्केटिंग, तब तो हमने ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया उस बात को कि स्केटिंग उसे करना, छोटी बच्ची थी, शी वॉज स्मॉल, तो हमने ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया कि शी हैज़ टू डू स्केटिंग। देन फिर देन कोविड केम एंड देन भी कोविड केम तो फिर उसमें भी चालू था कि स्केटिंग चाहिए, स्केटिंग चाहिए। Then after COVID, उसका cousin was coming from Canada, तो उसने पूछा कि what you want, तो she told me, she told him कि I want skates, तो उसने skates से किया, तो जब वहाँ से उसका जो journey हमने फिर चालू किया एंड देन she शुरू skates घर पे, then we by I don't know the all the fortunes came together, so we got one trainer, मतलब वो घर building के नीचे आके he used to teach us, तो वहाँ से जब journey चालू हुआ and then फिर वो यहाँ तक चालू ही है, then it's not going to end and आगे भी वो बहुत कुछ करेगी, this is just a start, this is just a start and आगे आगे वो करेगी and we're not going to stop it here, definitely going ahead, yeah, and this is not a proud moment for us only, it's a proud moment for whole India, yeah yeah definitely definitely, वो हमारे खानदान में किसने नहीं किया, वो बच्ची नहीं किया, कितने बच्ची नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात, and we were so shocked, लेकिन ना जब मेडल मिला तभी इतना, जब वो झंडा लेके वो जब यू नो शी वो जब पूरा स्टेडियम में घूमी है ना, दैट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट, दैट वाज अ रियली गूज़बम्प मोमेंट कि लाइक वाओ माय डॉटर शी इज कैरिंग अ इंडियन फ्लैग एंड शी इज यू नो स्टेडियम में घूम रही है, तो बहुत एक्चुअली ये बहुत प्राउड मोमेंट था।
तो हम लोग लगा ठीक है रेस खत्म हो गया, लेकिन जब हम वापस से आए अपने घर पे आए तो दो तरीके से उसका वेलकम किया है हमारे बिल्डिंग वालों ने। मतलब आप लोगों को ये प्लान था कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो सरप्राइज था हम लोगों को, सरप्राइज था। दे डिड वेरी नाइस हमारा वेलकम। फिर हमारे जो कॉर्पोरेटर है मंगेश कुड़ालकर सर ने भी हम सब जगह उसकी होर्डिंग लगा है, एंड उनका जो सपोर्ट था, जो हमारे जो कॉर्पोरेटर हमारे एमएलए उनका जो सपोर्ट था वॉज वेरी वेरी गुड। मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने खुद ने आके हमें तो सपोर्ट किया है, मतलब वो मंगेश कुड़ालकर सर और प्रवीणा मुरलीधर सर मैडम सपोर्ट इज एंड वो बहुत हमारे दिल से थैंक यू हम दोनों के लिए। लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की है उसके डाइट पे, एक्सरसाइज पे। बहुत हम लोगों ने बहुत से पेरेंट्स की मुझसे भी सुना है कि व्हाट आर यू डूइंग यार, छोड़ दो अभी अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्या तुम ऑफिस घर फिर स्केटिंग, तो मुझसे फिर वो शी हैज इंटरेस्ट नो, तो व्हाट शी वांट्स टू डू तो वी हैव टू डू दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत सारे हमने जब एनरोल किया तभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि व्हाट यार यू आर गोइंग थाना, यू आर गोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्लोट कर धारा भी जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, तो स्केटिंग के लिए वी शुड गो टू ऑल दी स्पोर्ट्स क्लब। छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, अभी वो रियलाइज हो रहा है हम लोग को, एक्चुअली तभी रियलाइज नहीं हुआ जो 3 इयर्स से जो आपने स्टार्ट किया ना वो छोटी छोटी चीजें अभी यूज हो गए, वो इतना यूज सक्सेस हुआ। बट शी इज डूइंग स्केटिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। हां फिर भी वो ओवरनाइट नहीं होता, ओवरनाइट आता है, ओवरनाइट। एंड उसका क्या हो रहा है ना, एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि ना वो उसने ना जितना भी रेस किया आज तक स्केटिंग का, तो उसको सब में जीती है वो, तो लेकिन उसको बोला हमने कि इट इज नॉट लाइक दैट कि यू ऑलवेज विन, समटाइम्स वी हैव टू टेक डिफीट आल्सो। यस, सो वो उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में है, क्योंकि क्या होता है ना फिर टाइम हमको वो जाते कम जीत रहे, जितने भी डिफीट हो जाए तो वो प्रेशर हो जाता है, तो वो हम प्रेशर नहीं देते हमको कि नहीं ठीक है जो होगा वो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आपने आपने उसको ये भी पता होगा कि अगर गिर गई इंजरी हुआ तो कैसे खुद को संभालना है। अभी ये जो उसका जो मेडल है वो 8वां मेडल है, एंड उसमें उसको एक मेडल ऐसा भी है जो सेकंड नंबर पे है, तो ऑलवेज वो कहती थी मतलब 8 में से सिर्फ एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड ऑल ऑफ ऑल ऑफ, तो वो कहती थी हमेशा कि डैडी सेकंड आएगी तो भी मेडल तो आ जाएगा ना, अभी इतने छोटे बच्चों को तो पता नहीं चलता कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है थर्ड क्या है, सिर्फ दे वांट्स मेडल एंड एंजॉय। सो लेकिन अभी ये कंपटीशन होने के बाद उसको ये डिफरेंस पता चला कि फर्स्ट मेडल सेकंड मेडल मतलब सेकंड मेडल मतलब सी सेकंड मेडल एक्सेप्टेंस रखना है, यानी डिफीट को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पीछे रहेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के बच्चे लोगों को कैसा जो चाहिए वो चाहिए एरोगेंस आता है, बट ये स्पोर्ट्स के वजह से है ना वी आर वेरी ब्लेस के उसको वो समझ आ रही है कि व्हाट इज डिफीट, वी नीड टू अर्न इट, जो चाहिए वो मुझे अर्न करना पड़ता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, व्हाट इज फर्स्ट लेवल क्या होता है, सेकंड लेवल क्या होता है, थर्ड लेवल क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स सिखा लेता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स के बच्चों को एक तो स्पोर्ट्स में डालो, सी वी ऑल है ना हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं, लेकिन एक सर्टन 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ये रियलाइज होता है कि बच्चा नहीं कर रहा है या तो फिर बच्चा थक रहा है। तो पेरेंट्स है ना बच्चों के वेलनेस के लिए या बच्चों को तकलीफ हो रही है इसके लिए थोड़ा सा बिहाइंड थोड़ा सा बैक स्टेज लेते हैं, बोलते हैं नहीं ये बच्चे से नहीं जम रहा है, ये बच्चे को टफनेस मतलब डिफिकल्ट जा रहा है, वो थक रहा है, उसको मेहनत करना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें है ना अगर हम लोग एक पैच वाइज थोड़ा सा साइड में रख देना और बच्चों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएंगे ना, तो उसको कि पेरेंट ना बच्चों को ना सब क्लासेस में डालते हैं, म्यूजिक क्लास ये क्लास वो क्लास, मतलब तुम सब बच्चों को ना इतना बर्डन मत डालो, गिविंग टू टू हॉबीज एक मेंटल एक आउटडोर, मतलब फिजिकल आपको रिकॉग्नाइज करना है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज सर कि आपके बच्चे का क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है कराटे में, नहीं नहीं बट उसके लिए कराटा आना जरूरी है, तो पेरेंट्स कर लेते हैं दैट इज रॉन्ग,
पर उसको भी देखो ना, ठीक है तुमको डालना है फिटनेस का डाल दो, लेकिन उसको किसमें इंटरेस्ट है? क्या अभी निष्ठा के बारे में कहेंगे ना, तो इसको इतना इंटरेस्ट है स्केटिंग वगैरह में ना, 5 बजे उसको आवाज देंगे चल रुद्धि से स्केटिंग के लिए उठना है, तो वो विद इन द सेकेंड खड़ी रहती थी। मतलब इतना उसको, मतलब अभी कैसे है कि अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो करके वो रोते रोते उठेगा बच्चा उसमें, फिर वो मतलब उसको मेहनत करवा रहा है इसके लिए, वो मेहनत करेगी, पैशन है उसमें, उसमें पैशन है, उसमें पैशन, उसके पैशन को आपने रियलाइज किया वो बड़ी बात है, वो पेरेंट्स का काम है रियलाइज करना, नेबर्स रिलेटिव नहीं कर पाते, वो पेरेंट्स ही कर पाएंगे, तो बच्चे का क्या पैशन है और वो पैशन को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेन पेरेंट्स का रोल है। तो उसके लिए मैं दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, एक्चुअली रुदिष्ठा के लिए शुरुआत है, उसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल आवर फ्यूचर फ्यूचर रेसेस, ऑल आवर फ्यूचर ड्रीम्स, एंड आई विश कि ऑल आवर फ्यूचर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे और भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स इंडिया के लिए जीते आगे, हार्डली विश। और खेलची करो ना, कौन सा फैमिली का नाम और डेफिनेटली डेफिनेटली चैंपियन ठीक है अभी बोलो। ओके सो गाइस, शी इज रुदिष्ठा, शी इज माय नीस एंड शी हैज वन 3 गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया एंड ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। सो रुदिष्ठा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज रुदिष्ठा, 1 गोल्ड मेडल, 3 इकडे दाखव, 3 गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया इन स्केटिंग। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कीप शेयरिंग।